गिवन दैट -0.3 के +2.1 इक्वल्स टू 0.4 के। अब हमें यहां से बच्चे के की वैल्यू को निकालना है, तो चलिए हम के वाले सारे टर्म्स को वन साइड में शिफ्ट कर लेते हैं। 0.4 के +0.3 के यानी 2.1 इक्वल्स टू 0.7 के। यहां से बच्चे के की वैल्यू क्या हो गई, 2.1 बाय 0.7। जिनको डेसिमल सॉल्व करने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो वो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10 कर सकते हैं, और यहां से इसका आंसर आ जाएगा 3। सो के इज 3, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर होगा।